जहन दोस्तों, फौजी के रग रग में अनुशासन होता है, देशभक्ति होती, देश प्रेम होता है, समर्पण होता है। और इसका उदाहरण एक फौजी किस तरीके से दे रहा है आप देख सकते हो। श्रीनगर के अंदर दो फौजी खड़े हुए थे, उन्हें ऊपर से आदेश मिलता है कि यहां से आगे कोई भी फोर व्हीलर नहीं जाएगी। और एक सिविल फोर व्हीलर वहां से गुजरती है, गाड़ी कार गुजरती है, वो कार वाले को किस अंदाज में कहता है। कार वाले को कुछ ये उसकी चीज बड़ी बेकार लगती है, वो उसका रिएक्शन कुछ गलत होता है, तब वो कहता है कि मैं फौजी हूं, मुझे हुक्म मानना आता है और मनवाना भी आता है, पीछे मुड़ तेज चल। यानी पीछे मुड़ तेज चल का एक स्लोगन है, एक वर्ड ऑफ कमांड है, लेकिन ये स्लोगन भी है। स्लोगन है जब हम किसी की सामने वाले की बात नहीं सुन सकते, हम अपना ऑर्डर मनवाते तो सीधे बोलते भाई पीछे मुड़ तेज चल, पहले मेरा हुक्म मान, इसका मतलब है। जहां पर पुलिस खड़ी है, पुलिस के लोग आप देख सकते हैं, कॉन्स्टेबल है, SI खड़ा हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि लोकल के लोग होते हैं और लोकल की पुलिस होती है। लेकिन फौजियों को आदेश दिया यहां से गाड़ी नहीं जाएगी, तो उसने बोला है कि गाड़ी को आगे से पीछे पीछे मुड़ करिए और चलते रहिए। वो थोड़ी अपनी एक्टिविटी यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी नेगेटिव दिखाता है, लेकिन दूसरा फौजी कहता है पीछे मुड़ तेज चल, यानी आप गाड़ी को पीछे ले जाइए। यानी फौजी अपनी बात कहता है कि मुझे हुक्म मानना आता है तो मनवाना भी आता है। ये वीडियो सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है और फौजियों को काफी अप्रिसिएशन मिल रहा है कि फौजी बाहर खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, आपने BPJ लगाया, BPP लगाया, पटका लगाया है, BP जैकेट पहना है, 25 किलो का वजन लाद के उस पर हथियार है, उसकी भारी भरकम ड्रेस है और दोनों टांगों पर कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी इसी तरह कह चल रहा है, लेकिन फिर भी अपना पेशेंस नहीं खोया है। एक सम्मान के साथ सबको अब कानून का उल्लंघन न होने देगा, ना ही वो करता है। धन्यवाद दोस्तों।